दुनिया में आपको दो किस्म के लोग कामयाबी के रास्ते से रोकेंगे, एक वो लोग जो कि आपको नाकाम होते हुए देखना चाहते हैं और एक वो लोग जो आपको नाकाम होते हुए नहीं देखना चाहते। अब समझने की बात यह है कि वो लोग जो आपको नाकाम होते हुए देखना चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली जब भी आप कामयाबी के रास्ते पर चलेंगे वो आपको रोकेंगे उस रास्ते से, लेकिन वो लोग जो आपको नाकाम होते हुए नहीं देखना चाहते वो इसलिए रोक रहे होते हैं क्योंकि वो एक दफ़ा नाकाम हो चुके होते हैं और आपको नाकाम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको रोकेंगे उस काम से। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन दोनों आदमियों को जवाब देते हैं। वो आदमी जो आपको नाकाम होते हुए देखना चाहता था, जो कि आपको जो कि हर्डल्स क्रिएट कर रहा था आपके कामयाबी के रास्ते में, वो तमाम हर्डल्स को आप फेस करते 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 लेकिन मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट होकर आप जब गोल्स अकम्पलिश करते हैं तो वो आप गोल्स अचीव करते हैं तो फिर आप जीत जाते हैं और वो आपको रोकने वाले जो हैं वो हार जाते हैं। आप उनको जवाब देते हैं अपने गोल्स अचीव करके। अब वो लोग जो आपको नाकाम होते हुए नहीं देखना चाहते थे, जो कि पहले एक दफ़ा नाकाम हो चुके थे, आप उनको ये सबक देते हैं कि फेलियर इज़ नॉट द फाइनल, यू विल बी क्राउन विद विक्ट्री बाय हैविंग हार्ड वर्क एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। कि उन्होंने एक दफ़ा हारे, वो एक दफ़ा नाकाम हुए, उन्होंने हिम्मत हार दी, लेकिन आप एक दफ़ा हारे, दो दफ़ा हारे, तीन दफ़ा हारे, क्योंकि जो फेलियर है वो फाइनल नहीं होता। आप एक दफ़ा फेल होंगे, दो दफ़ा होंगे, तीन दफ़ा होंगे, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड एंड अल्लाह विल गिव यू द फ्रूट ऑफ लेबर। कि अल्लाह आपका मेहनत का फल ज़रूर देता है। कामयाबी का जो एक असूल है वो ये है कि अगर आप मोटिवेशन हासिल करते हैं किसी भी काम के अंदर, किसी भी काम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करना है और मैंने उसके लिए मोटिवेशन हासिल कर लिया, फिर मैं कंसिस्टेंट होकर उस काम को करूँगा। जब तक मैं अपने अंदर कंसिस्टेंसी का वर्ड ऐड नहीं करूँगा, जब तक मैं अपने मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी का वर्ड ऐड नहीं करूँगा, तो मैं वो कामयाबी के रास्ते पे चलूँगा तो सही, लेकिन अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर सकूँगा। तो ज़रूरी यह है कि हम अपनी मोटिवेशन ज़रूर हासिल करें, किसी से भी हासिल करें, अपने अंदर से मोटिवेशन हासिल करें, लेकिन साथ कंसिस्टेंसी जो है वो एक अहम चीज़ है जो कि हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए ताकि हम कामयाब